हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। और आज हम लोग आए हैं पटेल नगर। पटेल नगर का कभी पहले वीडियो नहीं बनाए थे, फिलहाल हम लोग पटेल नगर में भट्टाचार्य रोड में और साउथ इंडियन खाने आए हैं। मतलब इंडियन चाइनीज तंदूर काफ़ी हो गया है, थोड़ा साउथ इंडियन खाने आज हम लोग आए हैं। साउथ इंडियन भी बहुत लोग को पसंद होता है, तो आज उनके लिए वीडियो लेकर हम लोग आए हैं। और फिलहाल हम लोग खड़े हैं, इधर आप देख सकते हैं, चेन्नई एक्सप्रेस में, और यहीं पर हम लोग कुछ साउथ इंडियन खाना खाने वाले हैं। और लोकेशन की अगर बात करें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका एक्जैक्ट लोकेशन जो है गूगल का लिंक दिया हुआ, टैप करके एक्जैक्ट लोकेशन आप चेक कर सकते हैं। काफ़ी रीजनेबल रेट में साउथ इंडियन फूड, इधर आप मेन्यू देखिए इनका, लाइक 40 रुपये से इनका डोसा स्टार्ट होता है। जो प्लेन डोसा है वो सिर्फ 40 रुपये का है, मसाला 50 का, ओनियन मसाला 60। नेक्स्ट इनका देखिए, आप सारा कुछ आपके सामने आप देख सकते हैं, कितने कम रेट में, मतलब सिर्फ 50 रुपये में मसाला डोसा मिलने वाला। हम लोग खाने वाले हैं अभी फिलहाल पनीर मसाला डोसा, जिसका कि प्राइस है 60 रुपीज़। इधर देखिए, इधर हमारा तवा हो चुका है तैयार और बनने वाला है यहाँ का पनीर मसाला डोसा, जो कि इनके अकॉर्डिंग इनका बेस्ट है। तो पनीर मसाला डोसा फिलहाल हम लोग खाने वाले हैं। और ये डाला गया इनका बैटर, अभी डाला जा रहा है इनका मसाला। तो मटर वगैरह भी दिख रहा है, और लगता है कुछ बादाम है। और क्या क्या डालते हैं इसमें? ऑनियन टोमेटो। अच्छा, ओनियन टोमेटो, आलू और मटर हो गया। नेक्स्ट पनीर, ये पनीर है। अच्छा, इधर देखिए इनका पनीर भुर्जी जैसा रखा हुआ है और इसको डाला गया, मतलब आलू तो डाला ही गया है, नेक्स्ट एक लेयर पनीर का डाला गया। और ये सब आपको 60 रुपीज़ में सिर्फ मिलने वाला है। डोसा का साइज़ भी देख के लग रहा है कि ये कोई छोटा नहीं, बहुत सफिशियंट क्वांटिटी का डोसा होने वाला है। इसके साथ क्या देते हैं? सांभर और चटनी। दो तरह का चटनी, किस किस चीज़ का? एक ओनियन टोमेटो का साउथ इंडियन चटनी है। अच्छा, और एक नारियल की चटनी है। एक ओनियन टोमेटो का साउथ इंडियन चटनी, मतलब ऑथेंटिक साउथ इंडियन खाना मिलने वाला है। आप है कहाँ से? आप पटना से ही हैं? जी नहीं, नवादा से। नवादा से? तो कहाँ से सीखे हैं ये साउथ इंडियन खाना बनाना? चेन्नई से। हाँ जी, चेन्नई से सीख के आए हैं खाना बनाना, तब तो लगता है एकदम चेन्नई वाला खाना मिलने वाला आज यहाँ। इधर देखिए, इधर इनका पनीर मसाला डोसा हो चुका है रेडी। ये देखिए, ये सांभर हमेशा चढ़ा रहता है क्या गैस पे? ये किस चीज़ पे चढ़ा हुआ है? गैस पे। ये कोयला है क्या नीचे? फिर गैस भट्टी, मतलब हर वक्त ये चढ़ा रहता है गैस भट्टी पे, मतलब आप जब कस्टमर आएंगे एकदम गर्मा गर्म सांभर मिलने वाला है। नेक्स्ट ये देखिए, ये इनका नारियल वाला चटनी है। और बगल में है ये कौन सा चटनी हो गया? ओनियन टोमेटो चटनी हुआ, आपको बहुत कम जगह देखने को मिलता होगा। नारियल चटनी और सांभर तो होता होगा, बट ये वाला चटनी नहीं देखने को मिलता। अभी देखिए, अभी हमारा बनने वाला है ओनियन टोमेटो उत्पम। क्या प्राइस होता है इसका? 65 रुपीज़। इसमें क्या क्या डालते हैं? ओनियन टोमेटो मसाला, गरम मसाला, चाट मसाला। ओनियन टोमेटो, गरम मसाला और चाट मसाला। यार देखिए, बैटर के ऊपर डाला गया है इनका ओनियन टोमेटो है, थोड़ा सा मिर्च भी दिख रहा है, धनिया पत्ता है। अभी गया थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल। इधर देखिए, और ये हमारा उत्पम लगभग हो चुका है तैयार, अब ले चला जाए टेबल पर और टेस्ट किया जाए। इधर देखिए, इधर हमारा आ चुका है सारा आइटम सब जो हम लोग ऑर्डर किए थे, और कितना खूबसूरत टेबल लग रहा है, एकदम साउथ इंडियन वाला फील आ रहा है। दो डिफरेंट तरीके का डोसा है, दो डिफरेंट नहीं, मेनली दोनों एक ही हैं, शेप अलग लग रहा होगा देखने में, बट दोनों एक्चुअल में पनीर मसाला डोसा, जो कि इनका स्पेशलिटी है। नेक्स्ट ये देखिए, ये उत्पम और वेजिटेरियंस का इसे ऑमलेट कहा जा सकता है, कितने अच्छे से प्रेजेंट करके दिया गया है सिर्फ 60 रुपीज़ में। सबसे पहले खाएंगे इनका जो पनीर मसाला डोसा है, और देखा जाए कि टेस्ट कैसा है। अंदर में इधर आप देख सकते हैं कि पनीर भी है, आलू भी है, प्याज वगैरह भी है, टमाटर भी है, अच्छे से डाला गया सब कुछ, कहीं कोई कंजूसी नहीं किया गया है। अब किया जाए इसका टेस्टिंग। डिफरेंट तरीके के इधर आप देख सकते हैं, डिप है एक तरह से, सांभर हो गया, नेक्स्ट ये हो गया आपका नारियल वाला चटनी, और ये इनका स्पेशल टमाटर और प्याज की चटनी, एकदम मसालेदार है। हल्का इसमें मैगी मसाला का भी टेस्ट आ रहा है, मतलब अगर मैगी पसंद है आपको, मैगी मसाला पसंद है, वो वाला फ्लेवर भी मिलने वाला है, ऐसा लग रहा है खाने से कि हल्का मैगी मसाला वगैरह भी डाला गया है। और
फिलिंग काफ़ी प्रॉपर है। 60 रुपीज़ के अकॉर्डिंग जो कि इसका प्राइस है, अगर आप मसाला डोसा लेते हो ना सिर्फ 50, इसका है 60 विथ पनीर। बिल्कुल देखिए सफिशियंट क्वांटिटी लग रहा है। और अब हम लोग खाएंगे थोड़ा सा नारियल की चटनी और ये जो टमाटर और प्याज की चटनी इसके साथ। नेक्स्ट खाया जाए जो इनका उत्पम है, इसे इधर देखिए काफ़ी फ्लफी लग रहा है देखने से ही। बिल्कुल जैसा देखने से लग रहा था, अगर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल फ्लफी हो रहा लग रहा है देखने से, और खाने में भी बिल्कुल वही स्वाद आ रहा है, बिल्कुल सॉफ्ट सा ये उत्पम है। और मटेरियल प्रॉपर डाला गया, प्याज टमाटर धनिया पत्ता बहुत कुछ डाला गया। तो अगर इस एरिया में रहते हैं या इस एरिया से गुजर रहे हैं कुछ साउथ इंडियन खाने का मन कर रहा है, बेस्ट ऑप्शन हो सकता है सस्ते में। ख़त्म करते हैं फिर मिलते हैं। हम लोग खा चुके हैं और अगर आप इस एरिया में रहते हैं या इस एरिया से गुजर रहे हैं कुछ साउथ इंडियन वगैरह खाने का मन कर रहा है तो अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए, काफ़ी रीजनेबल रेट में, टेस्ट भी काफ़ी अच्छा था। और जो इनका वो जो था चटनी प्याज और टमाटर वाला, वो काफ़ी अच्छा लगा। मतलब सांभर नारियल की चटनी, वो दोनों से बेटर हमको उनका प्याज टमाटर वाला लगा, काफ़ी टैंगी सा फ्लेवर आ रहा था उसमें। अच्छा ऑप्शन हो सकता है कुछ साउथ इंडियन वगैरह खाना है, डोसा उत्पम वगैरह खाना है, ट्राई कर सकते हैं। आगे लोकेशन स्टार्टिंग में बताया गया है कि भट्टाचार्य रोड है पटेल नगर में, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका जो गूगल का लिंक वो डाला रहेगा, टैप करके एग्जैक्ट लोकेशन चेक कर सकते हैं। वैसे नाम इनका है चेन्नई एक्सप्रेस। तो आइएगा अगर तो बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा आज खाने का मूड था नहीं, वैसे भी वेज खा रहे थे, तो बस डोसा उत्पम खाया गया है उसी का रिव्यू किया गया है। तो आइएगा अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा कि आपको कैसा लगा। थैंक यू।